नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बेसिकली अभी ये हम लोग एयर इंडिया का बेसिकली मतलब यहाँ पे लोगो ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एक एयर इंडिया का हेडफोन है। मेरा दोस्त इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रहा था, कभी हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन आज हम एक्सीडेंटली बस ऐसे ही, मेरा इंटरेस्ट है तो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को खोलते रहते हैं, वैसे ही बस हम इसका ऊपर वाला कवर हटाएं तो यहाँ पर हमको बेसिकली ये दिख रहे हैं यहाँ पर ये एक्चुअली में कुछ और नहीं माइक है, मतलब बड़ा वाला माइक है, छोटा वाला भी नहीं। तो मतलब एयर इंडिया अपने पैसेंजर्स का साउंड रिकॉर्ड करती है, जब भी बना हमको नहीं पता कब का साउंड रिकॉर्ड करती है। और ये एक माइक है इतना तो पता ही, छोटा मोटा माइक नहीं है, बड़ा माइक है, मतलब बहुत दूर तक का ये। और ये एक तरीके से इसका बनावट जिस तरीके का उस तरीके का लगता है, ये शॉटगन माइक है, मतलब ये लॉन्ग रेंज का ही मतलब बेसिकली माइक है, ये दूर का आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। और माइक का अलग अलग बनावट होता है, कुछ शॉटगन होता है वो सिर्फ दूर का साउंड रिकॉर्ड करने के लिए होता है, कुछ होता है नॉर्मल जो वॉइस है, कुछ नॉइज़ कैंसर सभी का। तो ये दूर मतलब आपका वॉइस अच्छे से चला जाएगा अगर आप कुछ अनसन बात करते हैं अगर इंडिया के फ्लाइट में। और मेरा दोस्त बोल रहा है कि एयर इंडिया अपना मेंशन करके रखती है कि मतलब अपने फ्लाइट में कि मतलब वो रिकॉर्ड करती है पैसेंजर का साउंड, लेकिन मेरे ख्याल से आप नहीं चाहेंगे कि आपके आपका जो है साउंड किसी भी तरीके से रिकॉर्ड हो, ये तो प्राइवेसी का वायलेशन हो गया। तो फिर भी कोई बात नहीं, तो ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए। और ये एयर इंडिया का ही माइक है, ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमको ये मेरे पास है अभी, और यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, बहुत पुराना माइक है, ठीक है, दिख नहीं रहा, फोकस नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट मिट गया है यहाँ पे, फोकस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये दोनों तरफ है बेसिकली एयर इंडिया का। तो अभी हम रैंडमली ऐसे खोल लिए, हमको ऊपर में ही माइक दिख गया, और इसमें एक बोर्ड भी है मेरे से, और इस बोर्ड में हमको दो यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टर्स मिला है, पता नहीं कि एक मिनट यार फोकस, ये वेरिएबल रेसिस्टर है एक्चुअली में। अभी हम मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम जांच नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात है, साउंड बंद कर भाई अंकित, इसमें ये इसमें दो पिन है, तो दो पिन में एक्चुअली में छः पिन है, और ये छोटा वाला जो है ये बेसिकली पुराना नोकिया का फ़ोन आता था उसमें ये पिन हेडफोन की तरह काम करता था, ये बड़ा वाला अभी जो है सो 3.5 mm जैक है, मतलब जो अभी हर स्मार्टफोन समय सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये जो दो रेसिस्टर है एग्जैक्टली हम इतना तो पता है कि हो सकता है कि वॉल्यूम कंट्रोल हो, और या हो सकता है वायरलेस कंट्रोल हो। अभी एग्जैक्टली पता नहीं इसमें वायरलेस मॉड्यूल है कि, लगता तो नहीं है कि कोई वायरलेस मॉड्यूल है, नहीं वायरलेस मॉड्यूल नहीं है, वायर्ड ही मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें कोई आईसी वैसी को है नहीं, मतलब हो सकता है ये साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हो, मतलब ये बेसिकली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हो, या उसको कम ज़्यादा करने के लिए हो, मतलब या जो स्पीकर का, उसका स्पीकर का साउंड के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो 3.5 mm जैक है बेसिकली उसको फ़ोन से कनेक्ट करके गाना बजा के इसको हम बेसिकली ऐठे हैं, मतलब इधर उधर किए हैं, तो बेसिकली साउंड बढ़ा कम नहीं हुआ है, मतलब इतना रहता है कि ये 3.5 mm जैक से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और छोटे वाले से टेस्ट नहीं किया क्योंकि छोटा वाला फ़ोन नहीं है मेरे पास, या फिर कोई ऐसा चीज़ मल्टीमीटर होता तो हम सब टेस्ट कर लेते हैं, तो छोटे वाले से भी टेस्ट नहीं किए हैं। लेकिन अगर ये बड़े वाले में जो है सो बेसिकली साउंड कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये जो है सो बेसिकली माइक का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, उसका स्ट्रेंथ कंट्रोल कर रहा होगा, जिससे कि वो उसका रेंज बढ़ाएगा, तो एक फिक्स्ड अमाउंट में वो सेट करके जो है सो बेसिकली दी हुई है बेसिकली जो है सो अपने पैसेंजर को। और जनरली नॉर्मली ये प्रॉब्लम आता है कि जब आप माइक और स्पीकर को एक साथ एक जगह फिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा जो है इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। तो कभी आप नोटिस किए होंगे कहीं पर लाइव सेशन में जाते हैं तो एकदम पोंस आवाज़ करता होगा माइक, बहुत बार होता है। तो उसके बाद ऑपरेटर जो होता है वॉल्यूम कम कर देता है, क्योंकि उसका जो है ना इंटरफेरेंस होता है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो इंटरफेरेंस होता है उसको कम करने के लिए जो है सो बेसिकली वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, और उसके बाद जब उसका रेंज से बाहर चला जाता है तो वो शांत हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली वॉल्यूम कम कर देता है आदमी, अगर आप कभी डीजे वगैरह समय काम किए तो पता होगा आपको कैसे करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई वेरिएबल रेसिस्टर है जो कि स्ट्रेंथ कम करने के लिए था इसके माइक का, ताकि अगर इतना क्लोजली है ये दोनों स्पीकर और माइक की, अगर इंटरफेरेंस आए मतलब साउंड ख़राब ना हो, इसलिए जो है सो बेसिकली इसको एक सेट किया जा सके एक सीमित जगह पर, हमको ऐसा लगता है। अभी इसका हम फुल, अभी मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है तो बस हम ऐसे ऊपर ऊपर देख के बता दिए कि हाँ ये कोई ना कोई वेरिएबल रेसिस्टर, इतना हम कन्फर्म है, देखने से ही लग रहा है। और यहाँ पे वर्जन आर पता नहीं इसमें लिखा हुआ है, वो हम बाद में टेस्ट करेंगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए था कि हाँ एयर इंडिया के जो है सो हेडफोन में जो कोई सोच नहीं सकता उसमें एक माइक था, ये देख रहे हैं ऊपर में ये माइक है, और इसका एक छोटा सा पीस ये। मेरा दोस्त कह रहा है कि वो हर जगह मेंशन करके रखी हुई है कि हाँ वो माइक यूज़ करती है, लेकिन क्यों भाई पैसेंजर का साउंड क्यों रिकॉर्ड करोगे ऐसा, ये तो गलत बात हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों देगा ऐसा।
तो ये रहा माइक, बेसिकली ये माइक है या क्या है वो तो हमको खोलने का, लेकिन हम 100% कन्फर्म है माइक ये सिंगल वायर निकला हुआ है। तो बेसिकली तीन वायर होता है, तो इसमें से एक ग्राउंड होता है, एक ग्राउंड या कॉमन भी बोल लीजिए, ग्राउंड या कॉमन जो कि बेसिकली इस माइक का बॉडी भी होगा, ग्राउंड कॉमन इस माइक का जो बॉडी है यार फोकस 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 माइक का जो बॉडी हो ग्राउंड हो सकता है, और ये सिंगल ये जो मोटा सा ये जो ये काला वायर है ये बेसिकली सिग्नल, और इसको एक और बार नोटिस किया, इसको बड़ा मोटा कोटिंग किया गया। अबे यार जूम गया ज़रा, इसको बड़ा मोटा कोटिंग किया गया है, इसका मतलब समझते हैं। देखिए बाकी वायर जो हेडफोन में है वो छोटा होता है, ठीक है, पतला 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 पतला। मोटा कोटिंग आप तब करते हैं जब आपका कोई हाई वोल्टेज का करंट जा रहा हो, और हाई वोल्टेज का करंट में बेसिकली आपका जो है हाई वोल्टेज के करंट में होता है कि बहुत सारे इंटरफेरेंस वो जनरेट करता है, तो उससे जो है सो उसको कम करने के लिए एक तो सिंपल समझे, तो यहाँ पे वो बेसिकली हाई करंट नहीं है, तो यहाँ पे बस बेसिकली इंटरफेरेंस को कम करने के लिए किया गया है कि हाँ इससे सिग्नल इससे जो भी निकले वो बाहर ना जाए, क्योंकि बगल में स्पीकर है वो नॉइज़ करेगा अगर इससे कुछ बाहर गया। तो ऐसा मोटा वायर है, इसमें सिंगल लगा हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है इसका और इससे कोई मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन है, वो तो हमको बाद में पता चलेगा कैसे कनेक्ट किया गया, लेकिन इतना हम कंफर्म है कि ये माइक है, 100% कंफर्म है, ठीक है। तो यही था बस, पता नहीं क्यों अचानक से रैंडम मिल गया, तो वीडियो बना दिए हैं बस ऐसे ही प्रूफ के लिए, और धन्यवाद देखने के लिए।